हिमाचल के पलम बहुल इलाकों में पलम सीजन शुरू होते ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले कामगारों को रोजगार के द्वार खुल गए हैं। कोरोना की मार से रोजगारहीन हुए ऐसे मजदूरों को काम मिलने के साथ साथ पैसे भी आशा अनुरूप मिल रहे हैं, जिससे उनमें खुशी है। पलम बहुल इलाकों में इन दिनों पलम सीजन जोरों पर है। इस दौरान पलम पेड़ों से तोड़ने व ग्रेडिंग पैकिंग के लिए श्रम शक्ति का भी अधिक जरूरत होती है। पलम सीजन में जुटे इन लोगों का कहना है कि बागवानों का भी सहयोग मिल रहा है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। हिमाचल में करीब 13,742 हेक्टेयर में पलम की बागवानी होती है और करीब 26,700 मीट्रिक टन पलम की फसल निकाली जाती है। पलम क्योंकि जल्द पकने के कारण जल्द खराब हो जाता है, इसलिए पेड़ों से उतार कर पैकिंग और मंडी समयबद्ध पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए अधिक श्रम शक्ति की जरूरत होती है। हरिद्वार से आए मोहम्मद मारूख अंसारी ने बताया कि कोरोना के कारण उनके यहाँ कारोबार बंद हुआ था और वे बेरोजगार थे। यहाँ उन्हें पलम सीजन में अच्छा काम मिल रहा है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। और अगर हमारी तहसील रुड़की है तो हमारे यहाँ पर गाइस कारोबार जो था गाइस बंद हो गया था, तो वहाँ पर मजदूरी ना मिलने के कारण सर हमारे यहाँ भुखमरी आ गई थी। तो गाइस मैं यहाँ पर मजदूरी करने आया हूँ। मजदूरी किस चीज़ की गाइस करता हूँ? मैं मजदूरी करता हूँ गाइस इस चीज़ की, ये फूलम है और ये खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। इस फ्रूट का नाम फूलम है। और गाइस तब हम मैं मैंने आपको बताया पहले भी, क्योंकि हमारे यहाँ मजदूरी नहीं थी इसलिए मैं मजदूरी करने आया हूँ। तो गाइस इसलिए मजदूरी करते हैं क्योंकि पैसा कमा सके और अपने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रख सके। तो गाइस इस काम में हमें अच्छी मजदूरी पड़ रही है, इसलिए हम इस काम को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि रामपुर में वो पलम पैकिंग का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ कोरोना के कारण कामकाज ठप पड़ गया था, यहाँ काम भी मिल रहा है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से मजदूरी नहीं बन रही थी, इसलिए हम यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं और हम पैकिंग का काम करते हैं पलम का, हिमाचल रामपुर में। जी, यहाँ पे मजदूरी अच्छी पड़ रही है। जैसे कि हर साल आते हैं और गरीब मजदूर आदमी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन की व्यवस्था ने अपने पैसे कमाने के लिए बाहर से आए। और हर साल क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? अब फुलम का सीजन है, फुलम का सीजन कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम बेहट के रहने वाले हैं, जिला सारण। वहीं पलम के व्यापारी सलीम ने बताया कि इस बार लॉकडाउन में थोड़ी समस्या जरूर हुई, लेकिन अब सब ठीक है। यहाँ लोगों की सहायता कर रहे हैं और पलम की फसल भी अच्छी है और गुणवत्ता भी अच्छी मिल रही है। हम यहाँ पे काफ़ी साल से पलम का सीजन करते हैं। इस बार थोड़ी प्रॉब्लम तो आई है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी ठीक है। बंदे सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग साथ भी दे रहे हैं, बागवान भी साथ दे रहे हैं और अच्छा चला है। सीजन पूरा सही तरीके से है, रेट भी ठीक ही है, माल भी अच्छा है और